हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है आपका अपने चैनल हेल्थ इन किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल चोको पाई वाइट ब्रेड से। इसके लिए हमें चाहिए वाइट ब्रेड, आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर लें। देसी घी 3 से 4 चम्मच, डार्क चॉकलेट। सबसे पहले हम बेलन की मदद से इस ब्रेड को प्रेस करेंगे। इस प्रोसेस का बेनिफिट हमें ये होगा कि जब हम ब्रेड को सील करेंगे तो वो इजीली सील हो जाएगा और अच्छे से सील होगा, क्रैक्स भी नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही इजीली बन जाती है घर पे। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर घर पे बच्चे हैं और स्पेशली आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस रेसिपी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करेंगे इस रेसिपी को। इसी तरीके से हम सभी ब्रेड्स को प्रेस कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कर दिया करें, इनसे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। अब हम इस ब्रेड में चॉकलेट रखेंगे। मैंने सिंपल चॉकलेट ले लिया था, बार वन, आप कोई भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं। इसे ब्रेड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, किसी भी बर्तन की मदद से, कुकी कटर की मदद से, ग्लास से या कटोरी से हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और झटपट घर पे बन जाती है, इवनिंग स्नैक्स में बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरीके से हम सभी ब्रेड्स को पहले तैयार कर लेंगे। आप इन्हें बनाकर भी रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन सबसे अच्छा जो इसका टेस्ट आता है वो इसका गरम गरम ही टेस्ट आता है। अब हम कटोरी में पानी ले लेंगे। पानी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अच्छे से सील हो जाए, और जब भी हम इसे गैस पे फ्राई करेंगे तब ये सील खुले ना और चॉकलेट बाहर ना आए। गाइस, हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि वो भी हमारी डिश को बना सकें। एक बार ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसकी। इसे अच्छे से पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। अब हम उंगलियों की मदद से इसे अच्छे से सील कर देंगे और इसे प्रेस कर देंगे ताकि चॉकलेट भी अच्छे से इसमें फ्लैट हो जाए। इसी तरीके से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। लॉकडाउन के टाइम पे हमारा मन करता है कुछ बाहर का खाने का, तो ये सबसे इजी रेसिपी है और ये कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है, और ये इंग्रेडिएंट्स भी इजीली अवेलेबल हैं, तो घर पे ज़रूर ट्राई करें, अपने इवनिंग इसके साथ एंजॉय करें। इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे हम। अब हम पैन में 2 चम्मच देसी घी लेंगे। मैं देसी घी यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, रिफाइन ऑयल। थोड़ा सा इसे गर्म होने देंगे। अब हम ब्रेड्स को इसमें रखेंगे और साथ ही के साथ हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइड पे घी अच्छे से लग जाए। एक टाइम पे 4-5 की क्वांटिटी आ जाती है, तो उस हिसाब से आप इन्हें तैयार कर लें। इसी तरीके से हम धीरे धीरे इन्हें फ्राई करते रहेंगे। जब भी कभी आपके घर पे गेस्ट आए हों तो आप उन्हें ये इंस्टेंट रेसिपी बनाकर सर्व करें। ये आपका इम्प्रेशन गेस्ट के सामने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से हम धीरे धीरे इन्हें हिलाते रहेंगे और टर्न करके इन्हें अच्छे से पका लेंगे।
देखिए इन्होंने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम टाइम में पक जाती है, तैयार हो जाती है। इवनिंग में स्नैक्स के टाइप पे बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। हम धीरे धीरे इन्हें ऐसी तरीके से अल्टी पल्टी करते हुए पका लेंगे। 5 मिनट में ही ये रेसिपी पूरी आपको तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए काफ़ी हद तक इन्होंने कलर चेंज कर लिया अपना, काफ़ी हद तक ये पक चुके हैं। इसका टेस्ट इसलिए भी बढ़िया आता है क्योंकि जो हमने चॉकलेट अंदर डाला है वो मेल्ट हो जाएगा और जब हम खाएंगे तो उसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए अच्छे से पक चुके हैं अभी। गाइस जो हमने इनसे ब्रेड कॉर्नर कट किए थे, मैंने उनसे भी एक डिश बनाई है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली उसे जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दूंगा। देखिए ये ऑलमोस्ट डन है। इन पाइज को आप स्वीट चेरी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या रू अफ़ज़ा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा ही कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों के साथ। हमारे पाइज बन के रेडी हैं, इन्हें इवनिंग में इंजॉय करें। Thanks for watching.